उदयपुर में कन्हैयालाल मर्डर प्रकरण, उदयपुर में हालात तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। आज भी उदयपुर जिले में लगा हुआ है कर्फ्यू, पूरी रात पुलिस दल करता रहा गश्त। एडीजी दिनेश एमएन, एडीजी जंगा श्रीनिवास राव, एसपी उदयपुर मनोज चौधरी, एसपी राजीव पचार सहित अन्य आला अधिकारी फील्ड में मौजूद है। उदयपुर में कन्हैयालाल मर्डर प्रकरण ये पूरा, उदयपुर में हालात तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। आज भी उदयपुर जिले में लगा हुआ है कर्फ्यू, पूरी रात पुलिस दल गश्त करता रहा। एडीजी दिनेश एमएन, एडीजी जंगा श्रीनिवास राव, एसपी उदयपुर मनोज चौधरी, एसपी राजीव पचार सहित अन्य आला अधिकारी फील्ड में मौजूद हैं। तो तमाम आला अधिकारी फील्ड में मौजूद हैं, उनके द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है इस पूरे मसले को लेकर और बेहद गंभीरता और सतर्कता भी बढ़ती जा रही। तस्वीरें भी जरा आप देखिए, उदयपुर बंद का असर भी देखने को मिल रहा है। धारा 144 भी उदयपुर में लागू है, तो वहीं आपको बता दें कि धारा 144 तो पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई है। इंटरनेट भी बंद किया गया है ताकि सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी गलत मैसेज फॉरवर्ड ना हो, कोई ऐसा मैसेज या वीडियो फॉरवर्ड ना हो जिससे शांति व्यवस्था बिगड़े। और यही वजह, पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से सतर्क है। उदयपुर की अगर हम बात करें तो चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी निगाहें हैं। उदयपुर में कन्हैयालाल मर्डर प्रकरण से जुड़ा ये अपडेट, उदयपुर में हालात तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में, यानी कि सिचुएशन भले ही तनावपूर्ण हो पर कंट्रोल में है। आज भी उदयपुर जिले में कर्फ्यू लगा हुआ है, पूरी रात पुलिस दल गश्त करता रहा, कोई भी छिटपुट घटना ना हो इसको लेकर पुलिस की ओर से लगातार निगरानी की जा रही है, गश्त की जा रही है। तो वहीं एडीजी दिनेश एमएन, एडीजी जंगा श्रीनिवास राव, एसपी उदयपुर मनोज चौधरी, एसपी राजीव पचार सहित अन्य आला अधिकारी फील्ड में मौजूद हैं। संवेदनशील जो इलाके हैं उदयपुर के, उन पर भी नजर रखी जा रही है। अब ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि इस वक्त पुलिस के समक्ष दो चुनौतियां हैं। पहला ये कि शांति व्यवस्था बहाल रहे, तो दूसरा ये कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में कामयाब हो।